अस्सलाम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका मचा है। हर पार्टी अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो या फिर पीपी हो। और इस वक्त आज आप जो असेंबली हाल के मनाजर देखेंगे, आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं आएगा क्या ये असेंबली हाल है या फिर किसी तवायफ का कोठा। क्योंकि आज तक ये लोग पाकिस्तानी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी हुकूमत चमकाने के लिए अवाम को अपनी उंगलियों पर नचवाते हैं, लेकिन आज यही हुक्मरान असेंबली हालों में अपना मुजरा करके अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए मजबूर है। और जिस हद तक ये जा सकते हैं, गिर सकते हैं, उस हद तक ये जा रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने वाला था वज़ीर-ए-आला के लिए, तो वहाँ पर सोबिया शाह जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने एहतजाज किया, तो पीटीआई के कारकुनों ने उन पर चित्रों की और लोटों की बारिश कर दी और उन पर लोटे बरसाने शुरू कर दिए। और इसके जवाब में सोबिया शाह ने गड़ी लहराते हुए वहाँ पर मुजरा स्टार्ट कर दिया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ फॉरन मीडिया ने भी कवर किया और पूरी दुनिया में ये दिखाया गया कि जिनको हम वोट दे के बेचते हैं असम्बली हालों में, ताकि वो हमारी हक़ की बात कर सके, हमारे हकूक़ की बात कर सके, जो हमारी परेशानी उन्होंने असम्बली हाल में दूर करनी होती है। लेकिन ये लोग वहाँ पर जाकर इतनी गंदी हरकतें करते हैं कि कोई किसी पर जूते फेंक रहा है और कोई मुजरा करके लोगों को दिखा रहा है कि हम बड़े पाक साफ हैं, लेकिन इन लोगों की हकीकत यह है कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन, जब हम अपने हकूक़ की बात करने वाले लोगों को इस हालत में देखते हैं कि वो असम्बली हाल में बाकायदा मुजरा करते हैं, असम्बली हाल में बाकायदा जूते फेंके जाते हैं, असम्बली हाल में बाकायदा लोटे फेंके जाते हैं, तो ये हमारे हक की बात कैसे करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए हुकूमत में आते हैं ताकि अपने बैंक बैलेंस बना सके और कल को पाकिस्तान से फरार होकर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होकर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। जब आप ऐसे हुक्मरानों को ऊपर अपने ऊपर मुसलत होता देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।